जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अर्जेंटीना के साथ एलसी तेजस को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में, भारत के आकाश और अस्त्र मिसाइल जैसे सिस्टम्स में ब्राजील की दिलचस्पी, इसरो चेयरमैन ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर को दी चंद्रयान 3 के हेल्थ स्टेटस के बारे में अपडेट, मालाबार एक्सरसाइज का हुआ समापन और चाइनीज मिलिट्री के साइंटिस्ट ने किया है दावा कि उन्होंने लेजर वेपन टेक्नोलॉजी में हासिल कर ली है सबसे बड़ी सफलता। जैसे कि ये तो आप सभी जानते होंगे कि अर्जेंटीना को एलसीए तेजस फाइटर सेल करने के लिए एचएएल की तरफ से सारे प्रयास जारी हैं, और जबकि अर्जेंटीना के पायलट्स ऑलरेडी एलसीए तेजस को फ्लाई करके इसका एक्सपीरियंस भी ले चुके हैं, लेकिन एलसीए तेजस में जो कुछ ब्रिटिश ओरिजिन के कॉम्पोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, तो यही ब्रिटिश कॉम्पोनेंट्स अर्जेंटीना के लिए एलसीए तेजस की सेल को लेकर बीच में एक बाधा की तरह बने हुए हैं। और अर्जेंटीना ने भी करीब 16 ऐसे ब्रिटिश कॉम्पोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया था जिसका वह एलसीए तेजस पर से रिप्लेसमेंट चाहते हैं। और अब रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें यूएस अर्जेंटीना के एयरफोर्स के लिए F-16 फाइटर्स को पुश कर रहा है, और जिसके लिए यूएस ने अर्जेंटीना एयरफोर्स के लिए डेनमार्क के F-16A फाइटर जेट्स की पेशकश के लिए सारी बाधाओं को दूर करने की तरफ बहुत तेजी से आगे कदम बढ़ाया है। और इसके लिए यूएस ने अर्जेंटीना के लिए F-16 की सेल को लेकर ब्रिटेन से भी प्रतिबंध हटाने की मांग की है। और इसलिए सभी रिपोर्ट्स के बीच एक प्रश्न ये उठ गया था कि क्या यूएस के इस कॉम्पिटिशन में शामिल हो जाने से अर्जेंटीना के लिए एलसी तेजस के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसी प्रश्न का एक उत्तर मिला है हमें यूरेशियन टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में, और उस रिपोर्ट में यूरेशियन टाइम्स ने एचएएल के एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से बताया है कि अर्जेंटीना के साथ एलसी तेजस की डील के पीछे भारतीय विदेश मंत्रालय की फुल डिप्लोमेटिक फोर्स लगी हुई है। इस डील के लिए नेगोशिएशंस एडवांस स्टेज में है, और ये नेगोशिएशंस भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। और ये रिपोर्ट इस बात को दर्शाती है कि भारत इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एलसी तेजस अपने क्लास के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट्स में आता है। बाकी तेजस के जो ब्रिटिश कंपोनेंट्स हैं उनका रिप्लेसमेंट ढूंढने के सारे प्रयास जारी हैं, जैसे कि एलसी तेजस में जो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट लगी हुई है तो उसको रिप्लेस करने के लिए एचएएल ऑलरेडी स्वदेशी एयरक्राफ्ट इजेक्शन सीट पर काम कर रही है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और चीन के बीच एलएसी के बचे हुए विवादों को सुलझाने के लिए मेजर जनरल लेवल पर बातचीत अभी भी जारी है, और ये आगे भी कुछ और दिनों तक कंटिन्यू रह सकती है। और इस मामले पर इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक मेजर जनरल लेवल पर हो रही बातचीत के दौरान सीमा पर से तनाव को कम करने की तरफ काफी सारे पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव मैनर में बातचीत हुई है, और इसमें बॉर्डर फ्लैश पॉइंट से डी एस्केलेशन, डिस्प्यूटेड रीजंस पर पेट्रोलिंग और इसी तरह के और भी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए काफी गहराई से बातचीत चल रही है, और ये बातचीत शुक्रवार से जारी है। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि अपकमिंग ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस भारत और चीन के लीडर्स बायलेटरल टॉक्स कंडक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इस महीने ब्राजील से 2 महत्वपूर्ण डिफेंस डेलीगेशंस भारत की विजिट पर होंगे, और ब्राजील से डिफेंस डेलीगेशंस के इस भारत विजिट को दोनों देशों के बीच के डिफेंस कॉपरेशन के लिए नए अवसरों की तरह भी देखा जा रहा है। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील डिफेंस डेलीगेशन के इस भारत विजिट का प्रमुख उद्देश्य रहेगा भारत और ब्राजील की डिफेंस पार्टनरशिप को इन्हेंस करना। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो डेलीगेशन है ये अपनी विजिट के दौरान भारत के कुछ खास मिसाइल सिस्टम्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, जैसे कि आकाश मिसाइल और अस्त्र मिसाइल। इसके अलावा एलसीए तेजस, एलसीए मीडियर रिफ्यूलिंग सिस्टम, व्हील्ड एमपीबीएस प्लेटफॉर्म्स, तो इनको भी एक्सप्लोर किए जाने की पूरी उम्मीद है। और ब्राजील भारत के साथ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट बिल्डिंग, स्पेस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर डिफेंस और रॉ मटेरियल्स के एक्सचेंज, तो इस तरह के एरियाज में कोलैबोरेशन चाहता है। जबकि ब्राजील से एक और डेलीगेशन सितंबर में भी भारत को विजिट करेगा, और उनका मेन फोकस होगा कोस्टल सिस्टम्स पर। आज सोमवार को इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चंद्रयान 3 के बारे में अपडेट्स दिए हैं, और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हम आपको बता चुके हैं कि चंद्रयान 3 23 अगस्त यानी कि बुधवार को मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कंडक्ट करेगा। बाकी आज इसरो चेयरमैन ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चंद्रयान 3 के हेल्थ स्टेटस के बारे में जानकारी दी है, और साथ में ये भी बताया कि सारे सिस्टम्स बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, और बुधवार को इसके लैंडिंग के समय कोई भी कंटिजेंसीज की आशंका नहीं है, और अगले 2 दिनों तक चंद्रयान 3 की जो हेल्थ है उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा। बाकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पर अपना पूरा विश्वास दिखाया है, और साथ में इस बात की भी उम्मीद जताई है कि ये मिशन एक नया इतिहास रचेगा, क्योंकि चंद्रमा पर इस तरह की लैंडिंग कराने वाला भारत यूएस, रशिया और चीन के बाद दुनिया का 4th देश बनेगा, और जबकि मून के साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का 1st देश बनेगा। बाकी जैसा कि रशिया के ल्यूना 25 ने भी मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करने का प्रयास किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका मिशन कामयाब नहीं हो पाया। पर रशिया के इस मून मिशन के फेल होने से एक प्रश्न ये उठ रहा था कि कहीं इसका असर चंद्रयान 3 पर तो नहीं पड़ेगा, तो उसका जवाब देते हुए इसरो ऑफिशियल्स की तरफ से क्लियर किया गया कि रशिया का जो मून मिशन फेल हुआ है तो इसका असर चंद्रयान 3 पर नहीं पड़ने वाला है। बाकी हम सभी की शुभकामनाएं हमारे उन सभी वैज्ञानिकों के साथ है जिन्होंने इस चंद्रयान 3 मिशन के पीछे दिन रात एक किए हैं। बाकी हाँ, वो बात अलग है कि एक आता लोग हैं जो कि भारत के चंद्रयान 3 का मजाक भी उड़ा रहे हैं, पर उस तरह के लोगों को इग्नोर करना ही ज़्यादा सही रहेगा,
क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये भूल जाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करते करते पूरे देश को ही टारगेट करने लग जाते हैं। आज 21 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में मालाबार एक्सरसाइज के 27वें एडिशन का समापन हो चुका है। इस मालाबार एक्सरसाइज में इंडियन नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और यूएस नेवी के शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट ने भाग लिया था। इस एक्सरसाइज का हार्बर फेज 11 से 15 अगस्त तक आयोजित किया गया और सी फेज 16 से 21 अगस्त तक आयोजित किया गया था और इसमें इंडियन नेवी की डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता और फ्रिगेट INS सह्याद्री के साथ PAT मैरिटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट ने भी भाग लिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस एक्सरसाइज के सी फेज में एयर सरफेस और अंडर सी डोमेन्स में कॉम्प्लेक्स और हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई थी। इसके अलावा वेपन फायरिंग्स, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस तो इन्हें भी कंडक्ट किया गया था। और ये जो एक्सरसाइज है ये ना केवल इस बात को दर्शाती है कि ये चारों देशों की नेवीज यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तो इनकी नेवीज ना केवल संयुक्त रूप से ऑपरेट करने की एबिलिटी रखती है बल्कि इसके अलावा इन चारों देशों के बीच कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से जो मैरिटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर जो शेयर्ड कमिटमेंट है तो उसको भी हाईलाइट करती है। बाकी इस मालाबार एक्सरसाइज के बाद आज सोमवार को ऑस्ट्रेलिया ने फिलीपींस और US के साथ डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में कंडक्ट की गई जॉइंट ड्रिल्स में भी भाग लिया है और इस जॉइंट ड्रिल में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सबसे लार्जेस्ट वॉरशिप को तैनात किया है जो कि है ऑस्ट्रेलियन नेवी का HMS कैनबरा लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक। और इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस से करीब 2000 से अधिक ट्रूप्स जबकि US मरीन्स के भी 150 ट्रूप्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि चाइनीज मिलिट्री के साइंटिस्ट ने लेजर वेपन टेक्नोलॉजी के मामले में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है और चाइनीज मिलिट्री के साइंटिस्ट ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसे कूलिंग सिस्टम को विकसित किया है जिसकी मदद से आप लेजर वेपन सिस्टम्स को इन्फिनाइटली ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नया कूलिंग सिस्टम है ये हाई एनर्जी लेजर्स के ऑपरेशन के दौरान जनरेट होने वाली जो एक हार्मफुल हीट है उसको एलिमिनेट कर देता है और ये वाला जो इशू है ये लेजर वेपन डेवलपमेंट के लिए एक मेजर टेक्निकल चैलेंज भी रहा था। लेकिन अब चीन के मिलिट्री साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि उनका जो ये नया कूलिंग सिस्टम है तो उनकी इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से जो लेजर वेपन्स हैं वो जितना चाहें उतने लंबे समय तक लेजर बीम्स को जनरेट कर सकते हैं और वो भी उनकी परफॉर्मेंस में बिना किसी डिग्रेडेशन और इंटरप्शन के। और अगर चाइनीज मिलिट्री साइंटिस्ट द्वारा किया गया दावा पूरी तरह से सच है और उन्होंने वाकई में ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है जिसकी मदद से लेजर वेपन्स जितना चाहें उतने लंबे समय तक ऑपरेट किए जा सकते हैं तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में युद्ध भूमि में एक बहुत बड़े बदलाव भी ला सकता है। बाकी चीन के इस नए दावे पर आपके जो भी विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1990 में एक ऑपरेशनल एक्सरसाइज के दौरान INS अंडमान में हुई दुर्घटना में हमारे 15 वीरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए ब्रिगेडियर BS शेरगिल, कर्नल RS चौहान और सिग्नल मैन नायक जोश ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में अनंतनाग में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर रणबीर कटौच वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन नेवी की फ्लीट में कितनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मौजूद हैं। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।